हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वह रैशनल एंड इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल्स टू रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री एंड y इक्वल्स टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, देखिए पहले हम लोग x प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट फाइव प्लस रूट थ्री, यह है आपका x की वैल्यू। और यहाँ पे देखिए ये प्लस y की वैल्यू रूट फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट फाइव माइनस रूट थ्री। देखिए x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे। देखिए रूट फाइव प्लस रूट थ्री इरेशनल है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री इरेशनल है। तो रैशनल बनाने के लिए हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट फाइव माइनस रूट थ्री हो जाएगा, और रूट फाइव माइनस रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट फाइव प्लस रूट थ्री हो जाएगा। तो हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे और उससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और ये देखिए यहाँ पे है आपका रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और इसका आर एफ हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, इंटू करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ देखिए रूट फाइव प्लस रूट थ्री है, और डिनोमिनेटर में जो है रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और इसका आर एफ जो है रूट फाइव प्लस रूट थ्री है। आर एफ से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटू करना है तो स्क्वायर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो जाएगा, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर, यहाँ भी देखिए सेम डिनोमिनेटर है, यहाँ भी हो जाएगा आपका फाइव माइनस थ्री। तो इस तरीके से वन टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, तो वन अपॉन टू हम लोग कॉमन ले लें, तो ये आपका हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट थ्री, मैं इसको पहले लिख दिया, और ये प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री। अब जरा देखिए एक फार्मूला हम लोग पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, कंपेयर करिए, रूट फाइव को ए मान लीजिए, रूट थ्री को बी मान लीजिए, तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पर रूट फाइव है, बी के जगह पर रूट थ्री है। तो मतलब ये हुआ कि 2 इंटू रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये हो गया अपॉन ये आपका टू, ये देखिए टू टू कैंसिल हो गया, तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, इस तरीके से ये आपका एट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक्स प्लस वाई निकाल लिया जो कि एट आएगा, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए एक्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है स्लाइस करते वक्त रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू, रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू,
और वाई हम लोगों के पास है रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर अपॉन टू। अगर हम एक्स वाई निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, डेनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, तो डेनोमिनेटर आपका टू इंटू टू फोर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इंटू करते वक्त रूट फाइव माइनस रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री एक साथ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइव माइनस थ्री। और ये देखिए होल स्क्वायर, फाइव माइनस थ्री मतलब क्या टू, टू का स्क्वायर, और ये नीचे फोर है तो आपका वन हो गया, मतलब एक्स वाई की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी। तो इस तरीके से एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और माइनस टू मतलब सिक्सटी टू। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटी टू हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।